Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the prayer before we start the lecture, okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओके सो आफ्टर दिस प्रेयर वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज। इट्स गुड फॉर अस। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रब द हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर आईज एंड चिक्स। ओके सो हमें हैंड्स को रब करना है और अपने आईज एंड चिक्स पे रखना है। ओके सो इट्स 3 टाइम कंपल्सरी फॉर ऑल। ओके एंड देन आफ्टर यू आर डू द हैंड एक्सरसाइज। इट्स ऑल्सो कंपल्सरी। सो स्ट्रेट योर हैंड्स एंड मूव योर हैंड्स। ओके ओके आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर द लेक्चर। ओके सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर द रिवीजन शीट। हमारा चैप्टर नंबर 3 सबट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके सो बी रेडी विद योर स्टेशनरी आइटम्स एंड रिवीजन शीट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं सबट्रैक्शन के अंदर, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे 6 में से 3 करूंगा, 3 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 4545 एंड 1432। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 2 देयर इज अ 3, then after 4 minus 3, that is a 1, 5 minus 4, that is a 1, and 4 minus 1, that is a 3. So, यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 3101, 3113. Okay? Then after question number C, 9 minus 0. मैंने आपसे properties के अंदर कहा था कि अगर कोई भी नंबर को आप 0 से सबट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9, मतलब कि उसका नंबर इटसेल्फ, सो देयर इज अ 9। देयर आफ्टर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। देयर आफ्टर 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 देयर इज अ 6। देयर आफ्टर 6 माइनस 3 देयर इज अ 3। ओके देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर F, 6 माइनस 5, 6 minus 5, there is a 1. Then after 0 minus 0, there is a 0. Then after 2 minus 3, so we cannot subtract 2 minus 3. So we have to get the borrow from the neighbor. So 3 become neighbor of 4. Sorry, 3 is a neighbor of 2. So now 3 become 2 and give it to 1, 2. Now 2 become 12. Now 12 minus 3. So 12 minus 3, there is a 9. Then after 2 minus 2, there is a 0. So यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 901. Okay? So ये हमारे आंसर्स हैं. Okay? Okay, now there is a question number 2, find the answers. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 1039 minus 1000. 1039 minus 1000. तो हम इससे किस तरह से आंसर लेंगे? तो ये तो बहुत ही इजी है, हम दूसरे वे में देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे 39 है, उसे हम रिमूव कर सकते हैं, 39 को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा? 1000। अगर 39 को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो 1000 होता है। 1000 माइनस 1000 देयर इज अ 0, तो यहाँ पे हमारे पास 39 है, तो हमारा आंसर होगा 39। थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए। ओके That is a 39. I again repeat, 1039 है, उसमें से 39 को हमने अलग कर दिया, तो यहाँ पे 1000 बचा। ओके नाउ 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। 1000 माइनस 1000, ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा है? 39, तो वो हमारा आंसर है। ओके Now there is a 2031 minus 45.
2031 माइनस 45। तो आप इसे किस तरह से कर पाओगे? तो आप यहाँ पे थोड़ी ट्रिक लगाओ कि हम किस तरह से फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम नॉर्मली तो इसे सॉल्व कर ही देते हैं जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से देखेंगे, नॉर्मली और हमारे दूसरे तरीके से। ओके, सो यहाँ पे पहले नॉर्मल तरीका। Now let's see the subtractions. Okay, so 2031 minus 45. So simply हम इसे किस तरह से subtract कर सकते हैं? First of all, 1 minus 5. We cannot subtract 1 minus 5. So we have to borrow from the neighbor. So 3 is the neighbor of 1. Now 3 become 2 and give it to 1. 1. Now 11 minus 5. So now 11 minus 5 is equal to 6. Then after 2 minus 4. So 2 minus 4 हम यहाँ पे नहीं कर सकते, because of 2 is a smaller number and 4 is a greater number. So we have to again borrow from the neighbor, but there is a 0. So what we have to do? Now we have to go to the another neighbor. So now 2. So 2 become 1 and give it to 1, 0. Now 0 become 10. Now 10 give it to 1, 2. So now 10 become 9 and give it to 1, 2. Now 2 become 12. Now 12 minus 4. Now 12 minus 4 is equal to 8. Then after, there is a 9 and there is a 1. So we have to directly drop down. Okay, so there is a 9 and there is a 1. Because of there is a nothing, yahan par to 0 hai. Okay, aur 0 se aap subtraction karoge, to aapko number itself hi milega. To yahan pe hamara answer hai 1986. Okay. तो ये हमारा आंसर होगा 1986। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर एफ। ओके, उसके सी डी ई है जो आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही इजी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर एफ, 9000 माइनस 301. Okay, so let's subtract the numbers. Okay, so 9000 minus 301. Okay, तो आपको ये सम को देख के कुछ याद आ रहा है कि ये सम देख कर आपको कुछ याद आ रहा है कि हम कोई ट्रिक्स ऐसी देखे थे कि जिससे हम डायरेक्टली इजीली कर पाए? Yes, that is a trick. तो यहाँ पे हमें माइनस वन करना है, ओके? तो आप माइनस वन करोगे तो आप इजीली आंसर ले पाओगे, ओके? तो यहाँ पे हम माइनस वन कर लेते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 8999 माइनस 301। बट आपको याद रखना है कि आपको बाद में माइनस जो किया है उसे ऐड भी करना है, ओके? So now 9 minus 1, there is a 8. 9 minus 0, there is a 9. 9 minus 3, there is a 6. And 8, same to same. Okay? Thereafter, we have to add 1. So there is a 1. So 9, 9, 6, 8. So hume yahan pe answer mil chuka hai 8699. Okay? So, हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ले लिया है। ओके, सो ये हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, मेंटल मैथ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेंटल मैथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 45, देयर इज अ 32 एंड देयर इज अ ब्लैंक। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द बोथ। हमें यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट करके यहाँ पे आंसर लेना है। Then after 89 minus 32. So 89 minus 32 करके हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। So let's start first of all 45 minus 32. So हम इजीली उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। Let's see here. 45 minus 32. 5 minus 2, that is a 3. 4 minus 3, that is a 1. Very easy answer. That is a 13. Okay, then after there is a 89 and there is a 32. 89 and 32.
So that is 89 and 32. Okay, now 9 minus 2, that is 7. Then after 8 minus 3, so 8 minus 3 is equal to 5. So that is 57. So that is answer 57. Okay, so ये हमारा mental maths है. Okay. Now there is a question number 4, subtract the following. Okay, so there is the numbers liter and milliliter. यहाँ पे liter and milliliter के अंदर हमें questions दिए हुए हैं. Okay, first of all there is a 52 and 408. आपकी बुक के अंदर I think थोड़ी print misplaced हो चुकी है. 8 नीचे की तरफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे. So, यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट नंबर है 408 एंड नीचे 528. ओके, सो यहाँ पे नंबर मिसप्लेस हो चुका है तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा. और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमारा करेक्ट है. सो 52 एंड 408, 48 एंड 528. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉल्व आउट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 माइनस 8 देयर इज 0. Then after 0 minus 2, we cannot subtract 0 minus 2 because 0 is a smaller number than 2. Okay, so there is a 4. 4 become 3 and give it to 1, 0. यहाँ पे हमें number को borrow करना पड़ेगा. Now 10 minus 2, there is a 8. Then after 3 minus 5, again we cannot subtract 3 minus 5. So we are going for the neighbor. So there is a 2 is a neighbor. ये दोनों सम अलग अलग नहीं है, वो दोनों साथ में है. बट लीटर एंड मिलीलीटर दोनों को हमने अलग लिखा हुआ है, बट सम पूरा एक ही है. ओके, तो ये नंबर्स हमारे साथ नहीं है. सो 2 बिकम 1 एंड गिव इट टू 1, 3. नाउ 3 बिकम 13. नाउ 13 माइनस 5, सो 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8. ओके, सो दैट इज 8. नाउ 1 minus 8. 1 minus 8 हम यहाँ पे नहीं कर सकते because of 1 is a smaller number than 8. Okay, so now 5 become 4 and give it to 1. Now 1 become 11. Now 11 minus 8. So 11 minus 8, there is a 3. Now there is a 4 and there is also 4. So 4 minus 4, there is a 0. Okay, so there is a 0. Then after come here for the next. Okay, so there is also liter and milliliters. Okay, 472 and 318. Then after 280 and 756. तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला है वो यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर में मिला हुआ है. और यहाँ पर भी हमें इस तरह से दो अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, बट दोनों सब एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है. ओके, सो 0 माइनस 6. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे 0 माइनस 6. सो वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 0 माइनस 6 बिकॉज़ ऑफ 0 इज अ स्मॉलर नंबर एंड 6 इज अ ग्रेटर नंबर. नाउ 8 बिकम 7 एंड गिव इट टू 1, 0. यहां पे हमें नंबर को बोरो करना पड़ेगा. नाउ 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. नाउ 7 माइनus 5, 7 minus 5 is equal to 2. Then after 2 minus 7, again we cannot subtract the 2 minus 7, so we have to borrow from the neighbor. So there is a 1 and give it to 1. So now 2 become 12. Now 12 minus 7, so 12 minus 7 is equal to 5. Okay, then after 1 minus 8, again we cannot subtract the 1 minus 8, so again we are going for the neighbor. So 7 becomes 6 and give it to 1. Now 11 minus 8, so 11 minus 8 is equal to 3. Now 6 minus 1, so 6 minus 1 is equal to 5. Then after 4 minus 3, 4 minus 3 is equal to 1. So is that the answer? 153 liter and 524 milliliter. So ये हमारा liter में answer है और ये हमारा milliliter में. Okay? So is that the answer?
Okay, now there is a question number 5. Fill in the blanks. Okay. So जो आपकी revision sheet के अंदर जो question दिया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे change किया है. Okay. वो आपको cancel करना है. जो आपका question number 5 है, आप यहाँ पे देख सकते हो. Question number 5 में ये first one है. वो आपको cancel करना है और उसकी जगह पे आपको ये वाला करना है. Okay? Understand everyone? तो आपको ये change करना है. ये question आपको लिखना है. वो आपको cancel out कर देना है. Okay? तो ये हमारा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ऊपर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं मिनियंस. ओके, और उसके जो नीचे होता है वो हमारा होता है सबट्राहैंड. और जो हमें फाइनली आंसर मिलता है इट्स अ डिफरेंस. आई अगेन रिपीट, जो हमारा पहले ऊपर की तरफ होता है वो हमारा होता है मिनियन, देन आफ्टर सबट्राहैंड एंड देन आफ्टर डिफरेंस. ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था. ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. तो यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर ब्लैंक है. तो इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मिनियंस को फाइंड आउट करेंगे. अगर हमें मिनियंस चाहिए तो हमें क्या करना है, सबट्राहैंड एंड डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा. सबट्राहैंड प्लस डिफरेंस, subtrahend plus difference is equal to minions. मैं यहाँ पे short में लिख रहा हूँ, आपको समझा नहीं देंगे. Okay? So subtrahend plus difference. तो यहाँ पे 3 plus 4. So 3 plus 4 is equal to 7. Okay? Then after हमारे पास है 3 and 1 और यहाँ पे बीच में blank है. तो यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे करना है minions एंड डिफरेंस. मिनियन एंड डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन करना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मिनियंस माइनस डिफरेंस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ओके, देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे 1 and 1 और यहाँ पे ब्लैंक. तो ये तो बहुत ही इजी है. Minions minus subtrahends is equal to difference. So 1 minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें आया आंसर मिल गया. Minions minus subtrahend is equal to difference. तो अगर आप ये चाहो तो लिख सकते हो साइड में कि आपको याद रहे. और आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, बहुत इजी है. अगर नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर की तो देने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. So, ये हमारा आंसर है. ओके, आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, मिनियंस सबट्राहैंड एंड डिफरेंस. अगर हमें मिनियंस चाहिए तो सबट्राहैंड प्लस डिफरेंस को करना पड़ेगा. इन दोनों का एडिशन करोगे तो हमें मिनियंस मिलेगा. देन आफ्टर हमारा सबट्राहैंड. तो सबट्राहैंड फाइंड आउट करने के लिए हमें मिनियंस माइनस डिफरेंस को करना पड़ेगा. मिनियंस माइनस डिफरेंस, देन आफ्टर हमें अगर ये डिफरेंस चाहिए तो मिनियंस माइनस सबट्राहैंड्स. तो ये हमारा आंसर है. चेक इट. ओके, देन आफ्टर देयर इज अ एक्टिविटी फॉर यू. देयर आर 342 स्टूडेंट्स इन द स्कूल. इन द स्कूल देयर इज अ 342 स्टूडेंट्स एंड 161 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. तो यहां पर 161 स्टूडेंट्स जो है वो यहां पे एब्सेंट है. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रेजेंट. तो हमें यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करने हैं. ओके, सो लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन. ओके, सो देयर इज अ 342 स्टूडेंट्स इन द स्कूल. तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 342 यहाँ पे 342 स्टूडेंट्स इन स्कूल. देन आफ्टर 161 स्टूडेंट्स लेफ्ट. अदरवाइज देयर इज अ एब्सेंस. तो यहाँ पे 161 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे लेफ्ट है. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रेजेंट. तो अभी बात पे फिलहाल कितने हैं तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन. Okay, so first of all there is a 2 minus 1. So 2 minus 1 there is a 1.
Then after 4 minus 6, we cannot subtract. So we have to borrow from the neighbor. So 3 become 2 and give it to 1, 4. Now 4 become 14. Now 14 minus 6, there is a 8. Then after 2 minus 1, there is a 1. So there is a total 181 students in present. यहाँ पे 181 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स है, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ऑलरेडी के 342 स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। तो उसका मतलब है ये हमारा टोटल है, ये हमारा टोटल है। देन आफ्टर नंबर ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो देयर इज अ 161 students. Number of present students, so there is a 181. तो ये हमारा answer है. Okay? So आप इस तरह से activities भी कर सकते हो. अगर आपको मैं inquiry based learning में बताऊँ, तो आप यहाँ पे students का list count कर सकते हो. आपके class के अंदर कितने students हैं और कितने absent हैं, तो उस हिसाब से आप एक count करके यहाँ पे list create कर सकते हो. तो IBL के अंदर आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो अपने घर पे, ओके? Then after question number next, I had rupees 1000 with me, so I have a 1000 rupee. I spent rupees 439. मैं यहाँ पे कितना खर्च करता हूँ? 439 रुपीस को यहाँ पे खर्च करता हूँ. So how many money with me, left with me? तो अगर मुझे यहाँ पे money चाहिए कि मेरे पास अभी कितने money होने चाहिए, तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा? So first of all, I have a 1000 and I spent 439. तो spend करने का मतलब ये होता है कि मैंने कहीं पे खर्च किए हैं. So यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा? तो यहाँ पे आप देखो क्या कर सकते हो, तो आपको शायद याद आया होगा कि 1000 में 1130s है, यहाँ पे बहुत सारे zeros हैं, तो उसे 1 माइनस करके कर सकते हैं, हमें बहुत ही इजी पड़ेगा. तो यहाँ पे माइनस 1 कर देते हैं, ओके? सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 999, ट्रिपल नाइन हमें यहाँ पे मिल जाएगा. देन आफ्टर 439 एंड देयर इज अ सबट्रैक्शन, ओके? सो 9 माइनस 9 देयर इज अ 0, 9 माइनस 3 देयर इज अ 6, 9 माइनस 4 देयर इज अ 6, सॉरी 5. So 560 there is an answer, okay? तो यहाँ पर हमें plus 1 करना पड़ेगा, because हमने यहाँ पे minus 1 किया हुआ है, so that time, so there is a 1, 6 and 5, 561. अब यहाँ पर हम कर लेते हैं किस तरह से हमारा होता है, okay? So first of all हमें यहाँ पे 1 को 0 करना पड़ेगा और अपने neighbor को 1 देना पड़ेगा. अब यहाँ पे 10 है, तो 10 को कैंसिल आउट करके 9 करना पड़ेगा और 9 को हमें आगे हमें 1 पास आउट करना पड़ेगा. नाउ अगेन देयर इज अ 9 एंड गिव इट टू 1 0. नाउ 10 माइनस 9 देयर इज अ 1. देन आफ्टर 9 माइनस 3 देयर इज अ 6, 9 माइनस 4 देयर इज अ 5 एंड देयर इज अ 0. इट मींस द सेम आंसर आर देयर. तो हम ये स्पीडली वर्क कर सकते हैं मैथ के अंदर, ओके? सो ये है हमारा फाइनल आंसर.